नमस्कार। कई मामलों में आज का समाचार बहुत महत्वपूर्ण है। इसके प्रत्येक पहलू पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले पूरा समाचार एक बार पढ़ लेते हैं। जानलेवा हमले में ट्रंप ने कान का एक हिस्सा खोया। पहले इंटरव्यू में कहा मौत तो तय थी। पीटीआई मिलवॉकी अमेरिका, चुनावी रैली के दौरान हत्या की कोशिश में बाल बाल बचे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मेरी मौत तो तय कर दी गई थी, लगता है कि मैं किस्मत या ईश्वर की कृपा से बच गया। रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन में मिलवॉकी जाते समय ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट से बातचीत में कहा कि मुझे तो मरा हुआ होना चाहिए था। असल में जब जीवन संकट में होता है तो संकट के समय में व्यक्ति कई बार प्रामाणिक बातें करता है। इस समाचार को मैंने इसलिए संकलित किया है क्योंकि ये समाचार मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगा और ये व्यक्ति जिनकी बात हो रही है ये पूर्व राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, डोनाल्ड ट्रंप जी। और इनके अंदर कितनी गहन समझ है। कई बार लोग कहते हैं कि किस्मत जैसी कोई चीज नहीं होती और बहुत सारे अनपढ़ और अज्ञानी, कम ज्ञानी, मंदबुद्धि, सस्ती लोकप्रियता पाने की इच्छा वाले ऐसी बातें करते हैं किस्मत कोई चीज नहीं है। कई बार सवाल उठाए जाते हैं भगवान है या नहीं, ईश्वर है या नहीं, लेकिन यहाँ आपको पढ़ना चाहिए कि उन्होंने एक ऐसे समय पर जब उन्हें नया जन्म मिला है उन्होंने कहा कि सबसे अविश्वसनीय बात ये थी कि मैंने न केवल अपना सिर घुमाया बल्कि सही समय पर और सही मात्रा में घुमाया। ये कौन है जो बुद्धि दे रहा है कि उसी समय आप सिर को थोड़ा सा घुमा लें और टिल्ट हो जाए, गोली कान को छू कर निकल जाए, वो गोली गर्दन में भी धंस सकती थी। जो गोली मेरे कान को छूती हुई निकली उससे मेरी मौत आसानी से हो सकती थी। यानी कि इतने बड़े व्यक्ति को, इतने बुद्धिमान शक्ति संपन्न व्यक्ति को पूरा भरोसा है कि मृत्यु हो सकती थी, लेकिन इसका मतलब है कि भरोसे के बावजूद मृत्यु टल सकती है। इसका दूसरा पक्ष भी याद रखिए, जब आपको पूरा भरोसा हो कि मृत्यु हो सकती है तो मृत्यु नहीं होगी, और कई बार आपको लगता है मृत्यु नहीं होगी, आपका भरोसा पूरा है और मृत्यु हो सकती है। इस रहस्य को सिर्फ थोड़े से लोग ही समझ पाते हैं इस धरती में, बाकी तो रटी रटाई बातें तोते की तरह दोहराते रहते हैं। पूरी घटना विचित्र अनुभव की तरह है। इस जानलेवा घटना में 78 वर्षीय ट्रंप ने अपने कान का एक हिस्सा खो दिया। इस घटना में रैली में आए एक शख्स की मौत हो गई, दो घायल हैं। ट्रंप ने कहा कि रैली में जान गंवाने वाले शख्स के अंतिम संस्कार में शिरकत करूंगा। अब इसकी हेडलाइंस देख लेते हैं, जिसमें लिखा है किस्मत से या डॉट डॉट, यानी कि किस्मत के बारे में कंफर्म तो पता नहीं, किस्मत पर भरोसा तो है पे किस्मत के बारे में पता नहीं है। और ये ईमानदारी का लक्षण है, ये ट्रंप की ईमानदारी है कि उन्होंने ये दावा नहीं किया कि मैं किस्मत को जानता हूं। उन्होंने ये दावा नहीं किया कि मैं किस्मत की बात कर रहा हूं। वो कह रहे हैं किस्मत से या, फिर वो कह रहे हैं कई लोग कह रहे हैं कि ईश्वर की कृपा से मैं अब भी जिंदा हूं, मैं मौजूद हूं। हत्या की कोशिश के बाद पहले इंटरव्यू में जो बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही है ये सारे दर्शन शास्त्र का सार है कि आपके पास कितनी भी बड़ी सेना हो लेकिन आपको बचा नहीं सकती, और आप कितने भी शक्तिशाली हो आप बचने की गारंटी नहीं दे सकते, और इस पृथ्वी पर जो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है वो कह रहा है कि मृत्यु सुनिश्चित थी, तो कोई ऐसा है जो बचा सकता है? और उसकी जब बात होती है
तो बात या तो किस्मत से शुरू होती है या ईश्वर से शुरू होती है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि किस्मत कुछ और नहीं, ईश्वर की कृपा है। भाग्य भगवान की कृपा का ही नाम है और उसी भाग्य की बदौलत डोनाल्ड ट्रंप जी को नया जीवन मिला है। यद्यपि उनका हाथ देखने की कोशिश की लेकिन कोई स्पष्ट हाथ नहीं मिला, लेकिन हाथ का जो शेप है वो बहुत जिद्दी है, विल पावर है, कहीं दबने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं, अवेयरनेस असाधारण है। इसे आप इस चित्र में भी देख सकते हैं जहाँ उन्होंने किस तरह से तर्जनी और अंगूठे को बिल्कुल सीधा कर रखा है, जबकि तीन उंगलियाँ हथेली से जुड़ी हुई हैं। इसे आप अगर कर कर देखेंगे तो बड़ा कष्ट होगा, यानी तनाव आएगा। अगर आप कर लेते हैं तो आपके अंदर भी लीडरशिप है। यद्यपि लाइफलाइन खंडित है लेकिन कोई ऐसा निराशाजनक चिन्ह नहीं है। हाथ बहुत स्पष्ट नहीं है। आइए हम सब उनके स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की कामना करें। इतना ध्यान और प्रेम से सुनने के बहुत बहुत धन्यवाद।